मोहतरम सामेईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए दोस्तों, चोर को पकड़ने का अमल, चोर को कैसे पकड़ा जाए और चोरी किया हुआ माल आपके हाथ में, अगर मैं कहूँ कि 10 मिनट के अंदर अंदर आपके हाथ में आ जाए तो कितना अच्छा होगा। तो चलिए देखते हैं 10 मिनट के अंदर कैसे आपका माल आपके पास आ जाए। तो देखने से पहले, शुरू करने से पहले चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग एक काम कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आगे दी गई लिंक पर क्लिक करें और आगे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा चोर को पकड़ने के लिए। सबसे पहले आप अव्वल व आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़ के और 111 बार एक आयत करीमा है उसे आपको पढ़ना है। कितनी बार? 111 बार। उस आयत करीमा को पढ़ने के बाद फिर उसके ऊपर फूंक डाल देंगे और जो चीज़ है उसे खिलाएंगे। आयत करीमा सुन लीजिए, फिर तरीक़ा बताते हैं। आयत करीमा यह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अन कालम व जहीमम व तआमन ज़ा गुस्सतिम व अज़ाबन अलीमा। एक बार और समात फरमाइए, अन कालम व जहीमम व तआमन ज़ा गुस्सतिम व अज़ाबन अलीमा। 111 बार पढ़कर पानी पर पढ़कर चावल में दम करके जिसके ऊपर आपको शक हो उसे खिलाएंगे। उसे खिलाने के बाद अगर वो चोर होगा तो वो चावल उसके हलक के नीचे नहीं उतरेगा, गोया वो आपका सामान फौरन ही फौरन आपको दे देगा। इस आयत को पढ़ना है और उसे खिलाना है। अगर वो कोई चीज़ जैसे चावल हुआ, अगर आपके घर में कटोरी है उसी पे कटोरी का इस्तेमाल कीजिएगा, उससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। तो जिसके ऊपर भी शक हो जाए तो उस इंसान को वो चावल खिलाए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फजल व करम से आपका जो माल है वो माल आपको तुरंत मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी हज़रात को अच्छी लगी होगी। मैं जानता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस तरीके से कि आप सभी हज़रात को कुछ ना कुछ वजीफ़ा, कुछ ना कुछ बयानात हम आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। और दुआ करता हूँ कि आप सभी हज़रात खैरियत से होंगे और ये भी दुआ करता हूँ कि आप सभी हज़रात हर एक वजीफ़ा और हर एक तरीक़ा को जानने के लिए और हर एक मसाइल को समझने के लिए हमारी वीडियो को